वेलकम दोस्तों, मैं एजाज आपका स्वागत करता हूँ आज के टेक्नोटॉक के वीडियो में। लाए हूँ आप सबके लिए बहुत ही जबरदस्त सी टेक न्यूज। तो आइए अब आपको टेक न्यूज बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहली टेक न्यूज है शाओमी की तरफ से। शाओमी का जो डिवाइस है MI6, उस पर एक जबरदस्त ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया गया, जिसमें उसे बैंड किया गया, स्क्रैच किया गया और भी बहुत कुछ किया गया और जबरदस्त रिजल्ट आया। उसने काफी अच्छा ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में परफॉर्म किया। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, आप जरूर वो वीडियो देखें। दोस्तों, नोकिया फर्स्ट वीक ऑफ जून में एक इवेंट रखने वाला है, जिसमें उसके क्या प्लान होंगे इंडिया पर अपने डिवाइसेस के बारे में, वो सारी चीज़ें क्लियर होगी और होपफुली जल्द से जल्द लॉन्च हो, ताकि हमें भी वो डिवाइसेस यूज़ करने को मिले। वरना अगर बहुत ज़्यादा लेट करेगा तो कॉम्पिटिशन उतना ही टाइट होता जाएगा और पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। आसूस ज़ेनफोन गो 5.5 लॉन्च हो चुका है amazon.in पर और इसकी कीमत है 9,995 रुपीज़, तकरीबन 10,000 रुपये के आसपास की कीमत है। इसमें आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर 400 सीरीज़ का, साथ ही साथ इसमें 2GB रैम, 32GB का स्टोरेज और इसमें आपको मिल रहा है एक HD डिस्प्ले। ठीक ठाक सी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक ठाक सा प्राइस है, मगर ये प्राइस पॉइंट में अगर आप Redmi Note 4 ले तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि उसमें आपको स्नैपड्रैगन 600 का प्रोसेसर मिल रहा है। McAfee और Samsung ने टाइप किया है, पार्टनरशिप की है और अब Samsung Galaxy S8 और S8 Plus में आपको प्रीलोडेड McAfee की वायरस स्कैन और एंटी मालवेयर ऐप मिलेगी और जो अभी दूसरे डिवाइसेस भी है और जो ऑलरेडी सेल हो चुके हैं उनको एक अपडेट मिलेगा, जिसमें आप ये सारी सिक्योरिटी फीचर्स का फ़ायदा उठा सकेंगे। और ये सारे अपडेट साथ में सिर्फ मोबाइल के मोबाइल तक ही नहीं है, यहाँ पे इसके Samsung के LED TVs और उनके जो लैपटॉप है वो भी इसमें कवर्ड है। और साथ ही साथ एक और बात कि Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S6 और S6 Edge और Note 5 सारे डिवाइसेस कंपैटिबल है, इस पार्टनरशिप का फ़ायदा उठाने के लिए। और साथ ही साथ इनके जल्दी आपको अपडेट मिलेंगे विदाउट एनी परचेज और आप इन चीज़ से और सिक्योरली अपना Samsung डिवाइस यूज़ कर पाएंगे। Amazon का ग्रेट इंडियन सेल चल रहा है, आज सेकेंड डे है और आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर डिस्काउंट के। ज़्यादातर चीज़ों पर ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, मगर आईफोन पर और मोटो जी पर भी आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है। नेटफ्लिक्स ने HDR सपोर्ट ऐड कर दिया है अपने एंड्रॉयड ऐप में आने वाली, और साथ ही साथ इस डिवाइस का, इस फीचर का फ़ायदा सिर्फ फ़िलहाल LG G6 उठा पाएगा, क्योंकि वही डॉल्बी विजन के साथ लॉन्च किया गया है, एक अकेला डिवाइस है फिलहाल। तो जो LG G6 यूज़र है और जो अपने मोबाइल पर HDR हाई डायनेमिक रेंज का वीडियो देखना चाहते हैं, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। सिविल एविएशन इंडिया की जो है वो ट्राई कर रही है अपना लेवल बेस्ट कि अब इंडियन यूज़र्स को भी ऑन फ्लाइट वाईफाई की सर्विस दी जाए, ताकि वो भी वाईफाई से फ़ायदा उठा के अपने आप को ड्यूरिंग द जर्नी जो भी उसे यूज, जैसे व्हाट्सएप करना है, फेसबुक करना है, जो भी चीज़ करना है, वो सारी चीज़ों को वो कर सके। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि काफ़ी वक्त से इस पर चल रही है डिबेट और देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं इंडिया में हम लोगों के लिए। Xiaomi का नया टीज़र आया है, इसके अंदर उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जो Xiaomi का डिवाइस, जो Redmi डिवाइस लॉन्च होने वाला है इस महीने, उसके अंदर वो उन्होंने पार्टनरशिप कर दी है amazon.in पर, जो सिर्फ एक्सक्लूसिव amazon.in पर ही सेल होगा। और ज़्यादातर स्पेकुलेट लोग यही कर रहे हैं कि ये Redmi 4 और Redmi 4 Prime होंगे, अपन देखते हैं। अभी तक कुछ कंफर्म ऑफिशियल स्टेटमेंट Xiaomi की तरफ से नहीं आया। Honor 8 Lite लॉन्च हो चुका है दोस्तों, इसके अंदर आपको Android 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। इसके अंदर 5.2 इंच का फुल HD डिस्प्ले है, खुद Honor का जो कंपनी का उनका प्रोसेसर है Kirin 655 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है आपको, 4GB के रैम, 64GB की स्टोरेज और इसे आप 128GB तक एक्सपांड भी कर सकते हैं। रेयर में पीछे आपको 12MP का सिंगल कैमरा और फ्रंट में भी 8MP का कैमरा, 3000mAh की बैटरी। 18,000 रुपये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, इससे अच्छे ऑप्शन आपके पास अभी अवेलेबल है मार्केट में। आप SRT फ़ोन ले सकते हैं, Redmi Note 4 ले सकते हैं, या फिर आप इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो फिर आप Xiaomi का दूसरा भी प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। HTC ने एक नया टीज़र लॉन्च किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर ऑफिशियली, जिसमें आपको बताया गया कि जो HTC U11 होगा वो 360 रिकॉर्डिंग भी कर पाएगा, जो अब तक का मेरा से वन ऑफ द यूनिक फीचर है। अभी तक शायद कोई मोबाइल इस चीज़ की फैसिलिटी नहीं दे रहा है। मैंने उसका ट्वीट का लिंक रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं खुद भी जाकर।
फाइनली इंडिया में शाओमी का मी होम इन शाओमी का स्टोर लॉन्च हो चुका है फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल में बेंगलुरु में। और ये स्टोर पे आप जाके सारे प्रोडक्ट्स को पहले आप देख सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है आपको वहाँ पर एक एफ कोड मिलेगा, वो एफ कोड से फिर अगर आप ऑनलाइन जाके परचेज कर सकते हैं स्पेसिफिकली, तो बहुत ही अच्छी बात है। और शाओमी का इरादा है कि वो तकरीबन 100 स्टोर्स इंडिया में लॉन्च करें। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के रिफर्बिश वर्जन जल्दी मार्केट में सेल पर आने वाले हैं जिसकी कीमत तकरीबन आधी होगी $440 हिंदुस्तान के 28,300 रुपये के आसपास। और इसका नाम होगा सैमसंग गैलेक्सी नोट 7R। और आप शेयर कीजिए कि आप नोट 7R ख़रीदना चाहेंगे 28,000 की प्राइस पॉइंट में। मेरा तो साफ क्लियर विजन है कि अगर इस प्राइस पॉइंट में अगर आपको मिल रहा है तो भी आप मत खरीदिए, आप MI 6 का वेट कीजिए, OnePlus 5 का वेट कीजिए। अगर उसमें आपको 2,000 रुपये ज़्यादा भी डालने पड़े तो भी विदाउट एनी डाउट आप डालिए, क्योंकि उसमें आपको मेरे आपसे 835 मिलेगा। यहाँ पे आपको कौन सा प्रोसेसर मिलेगा शायद अभी तक क्लियर नहीं हो, मगर 835 के काफ़ी कम चांसेस हैं, क्योंकि सैमसंग इंडिया में तो ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन देगा ही नहीं, देगा तो भी कभी एक्जनॉस 8995 देगा जो S8 में दे रहा है, मगर देखते हैं क्या होता है। मेरा पर्सनल व्यू ये, आपका क्या व्यू आप शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट करके। आज का आखिरी अपडेट दोस्तों इंटेक्स की तरफ से, इंटेक्स का एक नया फ़ोन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है इंटेक्स एक्वा क्रिस्टल प्लस। ये 4G वॉल्टी रेडी है और ये एंड्रॉयड 7 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा। इसकी कीमत है 6,799 रुपये, तकरीबन 6,800 रुपये। 5 इंच का HD डिस्प्ले है, क्वाड कोर मीडिया टेक का प्रोसेसर है, माली का GPU है, 2 GB रैम, 16 GB स्टोरेज, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें, इसी प्राइस पॉइंट में आपको OLX में Redmi 4A मिल जाएगा, डेफिनेटली सील पैक वो ले लीजिए, वो बेटर ऑप्शन है इससे मेरे हिसाब से कम्प्लीटली। दोस्तों आज की टेक न्यूज़ यहाँ पर ही ख़त्म होती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए, थैंक यू। अरे हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए यार, एक दो बार में बोलना भूल गया हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी करो। ओके।